मकर संक्रांति के दिन खाना है आपको तीन चीज। मकर संक्रांति की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के पर्व पर करें इन पांच चीजों का सेवन, माँ लक्ष्मी आप पर बरसाएंगी अपार धन। 14 जनवरी 2023 दिन शनिवार के दिन मकर संक्रांति का पवित्र पर्व मनाया जाएगा। सूर्य के मकर राशि में गोचर करने के दिन को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ दिन पर पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ण होती है। मकर संक्रांति के दिन लोग धन सुख समृद्धि सफलता और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जिसको मकर संक्रांति के दिन करने से आप पर धन सुख समृद्धि सफलता और माता लक्ष्मी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन आपको इन चीज़ों का सेवन जरूर कर लेना चाहिए, ये चीज़ जरूर खा लेना चाहिए। पूरे साल धन धान की कमी नहीं रहेगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी। माता लक्ष्मी जी पूरे साल धन वैभव से आपका घर भर देंगी। तो आपको मकर संक्रांति के दिन खाना है आपको ये कुछ चीज़ें। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस साल मकर संक्रांति शनिवार के दिन और हस्त नक्षत्र में पड़ रहा है, जो कि बहुत ही खास संयोग भी बन रहा है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग भी बन रहा है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हस्त नक्षत्र यानी कि रहेगा, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में हस्त नक्षत्र का होना बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान स्नान दान और पूजन करना शुभ फलदायी होता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन आप अन्न दान कर सकते हैं, और भी कई सारे यानी कि शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें इस दिन तिल का दान, अन्न का दान, चावल का दान बेहद शुभ माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए यानी कि इस दिन जो योग बन रहे हैं, साथ ही ग्रहों के शुभ दुर्लभ योग बन रहे हैं, ग्रहों की युति बन रही है। सूर्य शनि की युति मकर संक्रांति के दिन बनती है, जो कि बहुत ही शुभ योग है, और इस बार मकर राशि में बन रही है, जो कि दोनों ग्रह पिता पुत्र एक ही राशि में रहेंगे, और आनंद आदि योग यानी बन रहा है, जो कि हर तरह के सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन कोई भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं, यानी कि आप इस दिन जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में 100 गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, बाधाएं कभी नहीं आती। इस दिन सोने चांदी जैसी चीज़ों की खरीदारी करना बहुत ही लाभदायक होता है। विशेष रूप से आप इस दिन माता लक्ष्मी जी का चरण पादुका घर पर लेकर आएं, कमल गट्टे की माला लेकर आएं, और इस दिन माता लक्ष्मी जी को चुनरी जरूर ओढ़ाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति के दिन आप अपने घर में मीठे व्यंजन बनवाएं और उन्हें अर्पित करें, भोग लगाएं। ऐसे कुछ खा यानी कि खास खाने की चीज़ें हैं जो आपको माता लक्ष्मी जी को अर्पण करना चाहिए, और प्रसाद के रूप में इन्हें परिवार के साथ ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, धन की वर्षा बरसात करने के लिए, आपको इस दिन सबसे पहले तो आप गुड़, तिल और घी से बने लड्डू उन्हें अर्पित करें और फिर इसका सेवन कर लें। दोस्तों वीडियो पूरा अवश्य देखें और धनवान बनने का ये मौका हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। दोस्तों हमारे वीडियो बनाने का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आप लोगों को हमारे बताए हुए उपाय से फ़ायदा होता है, ये हमें बेहद खुशी होती है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताते हैं तो हमें बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं हम। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो समझो साल भर की जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी आपकी। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन खाना है आपको ये कुछ चीज़ें, खासकर अगर आप ये चीज़ खा लेते हैं तो बहुत लाभ होता है, जो हम आपको बताएंगे। दोस्तों अब ये बात तो सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, देवी माता लक्ष्मी को अर्पित भी किए जाते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों में बांटे जाते हैं। तो तिल गुड़ के लड्डू आप माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। इस दिन अभिजीत मुहूर्त में आप दोपहर 11:36 से लेकर दोपहर 12:24 के बीच भी आप यानी कि तिल गुड़ के लड्डू का प्रसाद परिवार के साथ खाएं तो बहुत अच्छा होता है। रिश्तेदारों में भी बांटें, माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए बहुत ही बेहतर ये दिन है। आपकी तिजोरी कभी भी धन से खाली नहीं रहेगी और लाभ होगा। तो इस दिन गुड़, तिल, घी से बने लड्डू का सेवन जरूर कर लें।
इस दिन तिल खाने का, काले तिल से और गुड़ के बनी जो मिठाइयाँ होती हैं ये भी बहुत शुभ मानी जाती है। खासकर गुड़, तिल, घी से बने लड्डू का सेवन जरूर कर लें। इस दिन मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का सेवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। खिचड़ी का सेवन जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों मकर संक्रांति के दिन अगर आप खिचड़ी का सेवन करते हैं तो माता लक्ष्मी जी खिची चली आएंगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, घर हमेशा आपका धन वैभव से भरा रहेगा। मकर संक्रांति के दिन आपको यानी कि चावल का दान कर दें, तिल का दान कर दें तो बेहद अच्छा रहता है। लेकिन इस दिन आप खास करके खीर बनाकर खा लें, खीर में थोड़े से आप काले तिल डाल दें, थोड़े से आप उसमें यानी कि केसर की पंखुड़ियां डालकर खीर का सेवन जरूर कर लें। इससे माता लक्ष्मी जी पूरे साल खिची चली आती हैं, कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों परिवार वालों के साथ यानी कि आप ये चीज़ें खाएं और परिवार में आप खिचड़ी का बंटवारा यानी कि बांटें और खिचड़ी का दान इस दिन करें, बहुत अच्छा होता है। खिचड़ी को खाना और दान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। खिचड़ी का सूर्य भगवान को भोग लगाएं, गरीब जरूरतमंद लोगों को इस दिन खिचड़ी जरूर आप यानी कि बांटें। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ण होती है, जिससे माता लक्ष्मी जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो मकर संक्रांति के दिन आप खिचड़ी जरूर खाएं, दान भी करें, इससे सूर्यदेव और शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, खास करके आप लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाएं। और आपको मकर संक्रांति के दिन पत्ते वाली गोभी और कुम्हरा ये चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको कुम्हरा पत्ते की गोभी की जो सब्जी होती है ये ना खाएं, लहसुन प्याज और यानी कि आपको जो मीट वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। लेकिन इस दिन खीर जरूर खा लें, साथ ही खिचड़ी खा लें, गुड़ तिल घी से बने लड्डू खा लें तो बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन आप यानी कि चाहें तो आप सिंघाड़े के आटे की बनी रोटियाँ भी खा सकते हैं और इस दिन आप चाहें तो साबूदाने की खिचड़ी भी बना के खा सकते हैं। इस दिन आप लाल अंगूर भी खा सकते हैं, फलों में सेब खा सकते हैं जो काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन आप शकला खाने का बहुत शुभ यानी कि दिन है। शकला जिसको शकरकंद कहते हैं, शकरकंद का भी सेवन इस दिन जरूर कर लें मकर संक्रांति के दिन तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन आपको चावल से बनी लाई का भी सेवन कर लें जो काफ़ी शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इस दिन आप भूल कर भी यानी कि नाशपाती ना खाएं, लेकिन सीताफल का सेवन कर सकते हैं जो काफ़ी शुभ होता है। तो दोस्तों मकर संक्रांति के दिन इन पावन पर्व पर जो कि इस शुभ संयोग जो कई सारे शुभ संयोग बन रहे हैं, आपको ये चीज़ें जरूर खा लेनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी खिची चली आएंगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, घर हमेशा आपका धन वैभव से भरा रहेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखेगा जय मां लक्ष्मी और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।